दोस्तों, मैं मास्टर मनोज कुमार, नवोदय क्रांति मोटिवेटर, राज्य संयोजक हरियाणा, गणित अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोलेखा खंड कलायत जिला कैथल, आज आपके सामने एक छोटी सी गणित से संबंधित अवधारणा गुणनखंड को खेल विधि द्वारा प्रस्तुत करूंगा। आशा है कि आपको पसंद आएगी और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। गुणनखंड का मतलब वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। गुणनखंड को हम गुणक भी कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, पूरा पूरा भाग का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम बच्चों को एक खेल खेल में करवा सकते हैं। उसके लिए हम बच्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, निम्बोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने ये कुछ भी कंकड़ पत्थर, मैंने ये कुछ सितारे लिए हैं, हम इन सितारों से भी बच्चों को गुणनखंड निकालना सिखा सकते हैं। मान लिया कि मैं एक छोटी संख्या में ले रहा हूँ चार, चार के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चार संख्याएँ लूँगा, सिर्फ मैंने ये चार स्टार्स लिए हैं और चार स्टार्स लेकर आपको दिखाई दे रहे चार हैं। मैंने इनको देखा कि मैं जब इनकी एक एक की ढेरी बना रहा हूँ तो पूरी ढेरी बन रही है, ढेरी पूरी आ रही है, कोई बीन्स बच नहीं रहा, कोई स्टार बच नहीं रहा है, तो एक चार का गुणनखंड है। दूसरी बार मैं देखूंगा क्या इसकी दो दो की ढेरी बन रही है, हाँ दो दो की भी ढेरी पूरी बन रही है, तो चार का एक गुणनखंड क्या हो गया, दो हो गया। फिर मैं देखूंगा क्या इसकी तीन तीन की ढेरी बन रही है, तीन की एक ढेरी तो पूरी बन गई लेकिन एक स्टार बच गया, इसलिए तीन की पूरी ढेरी नहीं बन रही, इसलिए तीन चार का गुणनखंड नहीं है। फिर मैं चार चार की ढेरी बनाऊंगा तो चार की भी एक पूरी ढेरी बन रही है, इसका मतलब चार इसका क्या है, गुणनखंड है। आइए एक और संख्या लेकर इसको करके देखते हैं। अगली संख्या मैं ले रहा हूं छह, मैं छह को लेता हूं, तो फिर मैंने छह बीन्स ले लिए, छह स्टार्स ले लिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं भाई छह के छह स्टार्स को कि मैं एक एक की ढेरी बना सकता हूं, तो एक इसका गुणनखंड है। क्या दो दो की इनकी ढेरी बन सकती है, हाँ दो दो की भी इनकी ढेरी बन गई, आपको दिखाई दे रहा है ये, इसलिए दो भी इसका एक गुणनखंड है। क्या तीन तीन की ढेरी बन रही है, हाँ तीन तीन की भी दो ढेरियां बन गई, तो तीन भी इसका एक गुणनखंड है। क्या चार चार की बन रही है, चार की नहीं बनी, दो बीन्स बच गए, दो स्टार बच गए, इसलिए चार इसका गुणनखंड नहीं है, ना ही पांच की बन रही है, और अब लास्ट में कौन सी बन रही है, छह की, तो छह इसका एक गुणनखंड है। इसी प्रकार हम आगे करके भी देख सकते हैं, कोई भी संख्या आपके जहन में आए, हम नौ को ही ले लेते हैं। चलो जब मैंने नौ सितारे लिए तो मैंने उनको एक एक करके अलग अलग रखा, तो देखा भाई हाँ एक एक की ढेरी बन रही है, तो एक इसका एक गुणनखंड हो गया। क्या इनकी दो दो की ढेरी बन रही है, जब मैं दो दो की ढेरी बनाने लगा तो मैंने देखा कि दो दो की चार ढेरियां तो बन गई लेकिन एक अभी बाकी है, एक बच गया है, इसलिए दो इसका एक गुणनखंड नहीं है। उसके बाद फिर मैं देखूंगा क्या इसकी तीन तीन की ढेरियां बन रही है, तीन तीन स्टार्स की ढेरी बन रही है, हाँ तीन स्टार की ढेरी भी बन रही है, तो इसलिए तीन नौ का एक गुणनखंड है। उसी प्रकार मैं चार की देखूंगा, चार की दो ढेरियां बन गई लेकिन एक स्टार बच गया, इसलिए चार गुणनखंड नहीं है। पांच की देखूंगा, पांच की एक ढेरी बन रही है, चार बचे हैं, और जब एक ढेरी बन जाए और बाकी बच जाए तो इसका मतलब ये है कि सभी को इकट्ठा कर दो, फिर किसकी बनेगी, पूरी एक ढेरी उसी संख्या की बनेगी, नौ की, इसलिए हमारे पास नौ के गुणनखंड क्या आ गए, एक तीन नौ। आप बच्चों को खड़ा करके बच्चों के साथ भी ये विधि कर सकते हैं और बड़ी आसानी से बच्चे गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं, और इनका निकालने के बाद फिर हम बच्चों को समझा भी सकते हैं कि हमने कुछ संख्याओं के गुणनखंड निकाले हैं। जब मैंने चार का, छः का और नौ का गुणनखंड निकाला है, इनके अंदर एक संख्या है जो सब में आएगी, वो क्या आती है, एक, क्योंकि प्रत्येक संख्या एक से पूरी पूरी भाग हो जाती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। यहां से सिद्ध हो गया भाई एक है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। दूसरी बात हम इससे बच्चों को समझा सकते हैं कि चार का गुणनखंड चार है, छह का गुणनखंड छह है, नौ का गुणनखंड नौ है, मतलब प्रत्येक संख्या खुद की भी एक गुणनखंड होती है। ये सब कुछ बच्चों को समझाने के लिए है ताकि उनके जहन में ये ज्ञान स्थायी हो जाए। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चे इसी विधि से यदि पकड़ कर जाते हैं और उनको पेपरों में करना पड़ता है, तो आप उंगलियों पे भी इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, देखिए जैसे मैं चार के गुणनखंड निकाल रहा हूँ तो चार मेरे पास उंगलियाँ हैं, पहले
बड़ी चीज से स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैंने उंगली ली है। और उंगली ली है तो मैंने देखा कि चारों उंगली अलग अलग मैं रख सकता हूं, तो एक इसका गुणनखंड हो गया एक। क्या दो दो भी हो जाएंगी? हाँ, दो दो के भी बराबर जोड़े बन रहे हैं, तो दो इसका एक गुणनखंड। हम ऐसे पकड़ के भी दिखा सकते हैं, अभी तीन तो बन गया है लेकिन एक बच गया है, तो इसलिए तीन इसका एक गुणनखंड नहीं है। और फिर क्या होगी, चारों की एक ढेरी बन गई तो चार आ गया। हम इन फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को। हाँ भाई, यदि मैं छह के निकाल रहा हूँ तो मैंने ये छह ये फूल ले लिए, एक दो तीन चार पाँच छह, तो एक एक की ढेरी बन जाएगी, एक आ गया। क्या दो दो की बन रही है? हम दो ऐसे ले सकते हैं, देखो। हाँ, ये दो ये दो ये दो, और सारे कवर हो गए, कोई भी नहीं बचा है, इसलिए दो इसका एक गुणनखंड है। क्या तीन तीन की बन रही है? तीन तीन को हम ऐसे ले सकते हैं, एक दो तीन यहाँ आ गया, एक दो तीन यहाँ आ गया, इसलिए तीन तीन की भी ढेरी बन गई, इसलिए तीन इसका एक गुणनखंड है। क्या चार की बन रही है? चार में आगे लेना, एक दो तीन चार छोड़ के आगे क्या बच गए? दो बच गए, दो बच रहे हैं, चार की पूरी ढेरी नहीं बन रही है, इसलिए चार गुणनखंड नहीं है। और फिर बाद में देखेंगे कि एक ढेरी बनने के बाद यदि बाकी बच जाता है तो इकट्ठा मिलाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः इसका एक गुणनखंड है। हम ऐसे भी बच्चों को करवा सकते हैं। अब बात करते हैं गुणज की। गुणज वह संख्या है जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाए। मतलब जब हम गुणनखंड निकाल रहे थे और जो मूल संख्या हमारी थी, मूल संख्या का जो गुणनखंड है वही मूल संख्या उस गुणनखंड की गुणज होती है। तो गुणज निकालने का भी इसी प्रकार हम विधि ईजाद कर सकते हैं कि हमने मान लो चार के गुणज निकालने हैं। चार के गुणज हमारे पास, पहला गुणज तो वही होगा जो हमने लिया है, चार बीन्स चार आ गया। उसके बाद यदि अगला लेंगे तो चार और जोड़ो इसके अंदर, चार और जोड़ दिए तो कितना हो गया? आठ हो गया। उसी प्रकार आगे भी एक और चार जोड़ दिया तो कितने हो गए? 12 हो गए। मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं तो ये पहाड़े होते हैं, तो गुणज का मतलब पहाड़े। और बच्चों को पहाड़े तो वैसे भी रटे हुए होते हैं, गुणज तो वो आसानी से एक बार उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई गुणज का मतलब क्या होता है। पहाड़े होता है जो हम आम जीवन में लेते हैं। और यहाँ भी हम उतने ही छात्रों को खड़ा करके, हमने पाँच के गुणज ज्ञात करने हैं तो पाँच पाँच की ढेरियों के छात्र खड़े कर दिए। एक ढेरी में हमने गिने कितने छात्र हो गए? पाँच। उसके बाद एक ढेरी में पांच छात्र हो गए, फिर दूसरी ढेरी उसके साथ मिलाई तो कितने छात्र हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। एक और ढेरी मिलाई तो कितने हो जाएंगे? 15। फिर एक और ढेरी मिलाई तो कितने हो जाएंगे? 20। और इसी प्रकार हम गुणज याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये छोटी छोटी ट्रिक बच्चों को समझाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगी। यह वीडियो देखने के लिए और नवोदय क्रांति के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय शिक्षा, जय शिक्षा।